हेलो एवरीवन, आई एम योर टीचर फॉर दिस क्वेश्चन लेट मी एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन टू यू नाउ एंड द क्वेश्चन सेज दैट वेरीफाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें हमें क्या करना होता है कि या तो हमें एल को सेम रखते हुए आर को मैनिपुलेट कर लेना है एल की फॉर्म में या फिर क्या करते हैं कि इसका उल्टा करना होता है तो हम देखते हैं पहले एल हमें क्या गिवन है एल से मतलब है लेफ्ट हैंड साइड लेफ्टीवन है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और हमें आर क्या गिवन है आर हमें गिवन है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वेर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर अब हम क्या करेंगे हम इस केस में कर लेते हैं हम आर को एल में मैनिपुलेट कर लेते हैं तो आर क्या है अपने पास एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर तो हम इस ब्रैकेट को खोलते हैं इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो क्या होगा पहले ये पूरा एक्स से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर फिर बचा क्या प्लस वाई तो वाई से ये पूरा मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स से एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब हो गया माइनस एक्स इंटू एक्स वाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा फिर आगे ये वाला एक्सप्रेशन में वाई इंटू एक्स स्क्वायर क्या होगा वाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस और y इंटू एक्स वाई क्या हो जाएगा एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस y इंटू वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस का वाई क्यूब अब हमें यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि माइनस एक्स स्क्वायर बाई है और प्लस एक्स स्क्वायर बाई है प्लस एक्स वाई स्क्वायर है माइनस एक्स वाई स्क्वायर है तो ये टर्म किससे कैंसिल हो जाएगी इससे ये टर्म कैंसिल हो जाएगी इससे तो हमारे पास इनडायरेक्टली बचेगा क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और अपना एल एच एस क्या है लेफ्ट हैंड साइड क्या है वो भी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब है तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब हो गया यानी कि अपना जो हमें प्रूव करना था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वो हो चुका है हैंस वेरीफाइड I hope you understood the solution. Thank you.